हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि माइनर ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होते हैं और इसके कितने प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये मेरी ट्वेल्थ क्लास की वीडियो है, जिसमें आपको ये जितने भी चैप्टर्स आते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारी चैप्टर्स आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनाट डिटर्मिनाट के अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है। अब ये पहला प्रॉपर्टीज है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी अनचेंज। ये कह रहा है अगर कोई हमारे पास ऐसा ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, जिसका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है ए बी सी, और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है पी क्यू आर। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी भी रो को किसी भी कॉलम में, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे ये ए बी सी है, ए बी सी फर्स्ट कॉलम है, तो इसको फर्स्ट रो में अपन अरेंज कर दिया, या और फिर ये एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम है तो इसको सेकेंड रो में अरेंज कर दिया, फिर ये पी क्यू आर ये थर्ड कॉलम है तो इसको थर्ड रो में अरेंज कर दिया। तो इससे क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अब ये देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है अपने पास, ये इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल डिटरमिनेंट रिमेंस न्यूमेरिकली अनचेंज बट इट्स साइन चेंज। ये कह रहा है कोई ऐसा एक डिटरमिनेंट है, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है या 2x2 का ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट हो, अगर उसके कोई दो रो या कोई दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, वो सेम रहती है लेकिन उसमें साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या किया, ये फर्स्ट कॉलम में ए बी सी, सेकेंड कॉलम में एक्स वाई जेड, और थर्ड कॉलम में पी क्यू आर, तो ये अपने पास है। तो यहाँ पे क्या किया, ये ए बी ये फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में अपन इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, और तब इंटरचेंज किया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन इसका साइन चेंज होगा। और थर्ड प्रॉपर्टीज है अपने पास, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू कॉलम्स और रो आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। अब ये अपने पास ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का सारा एलिमेंट अगर बराबर हो, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर है अगर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। और अपने पास ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। अब ये कह रहा है अगर कोई ऐसा एलिमेंट ये ऐसा मैट्रिक मैट्रिक ये डिटरमिनेंट है, ये कोई ऐसा डिटरमिनेंट है अगर इसमें किसी रो या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। अब ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एबव और बिलो और बोथ एबव एंड बिलो आर जीरो ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। अब यहाँ पे कह रहा है कोई अगर कोई ये डिटरमिनेंट है उसके ये प्रिंसिपल डायगोनल है ए बी सी, उसके ऊपर का एलिमेंट सारा जीरो हो, या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट सारा जीरो हो, या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे का सारा एलिमेंट जीरो हो, तब इस कंडीशन में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी,
प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, तो इसी का प्रोडक्ट आ गया ये अपने पास, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब ये सिक्स प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई ऐसा ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, अगर उसमें हम ये देखते हैं कि किसी रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है, एम कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तब इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं और कॉमन ले करके बाहर में मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अपने पास सेवेंथ प्रॉपर्टीज है, अगर वो तो पहले क्या था, यहाँ पे देखो इसमें क्या था कि रो में ये कॉलम में मल्टीप्लाई था कांस्टेंट, तो उसको बाहर क्या फिर भी वो बाहर में मल्टीप्लाई हुआ, अभी यहाँ रो में मल्टीप्लाई है एम कांस्टेंट, तो इसको भी अपन जब कॉमन करेंगे, अब यहाँ देखो सातवें प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड रो में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, फर्स्ट रो में क्या है कांस्टेंट, एम कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और थर्ड रो में के कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो अगर यहाँ पे हम लोग दोनों को कॉमन करेंगे तो दोनों क्या होगा कॉमन हो आकर के बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपने पास सेवेंथ प्रॉपर्टीज है। अब उसके बाद एट्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आठवीं प्रॉपर्टीज क्या है। अब ये आठवें ये है, कोई ऐसा 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, अगर इसमें हम क्या करें मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई के इन फर्स्ट कॉलम एंड डिवाइड के, अगर कोई कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर में उस कांस्टेंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये जरूर नहीं है कि आप किसी रो या किसी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो उस कांस्टेंट से डिवाइड भी किया हूं, ठीक है। अब ये नाइन्थ प्रॉपर्टीज है क्या, अपने पास ये कोई ऐसा मैट्रिसेज है, ये अपने पास कोई ऐसा डिटरमिनेंट है तो उसमें मल्टीप्लाई क्या किया, यहाँ पे देखो नाइन्थ प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, ये अपने पास ऐसा डिटरमिनेंट है उसमें मल्टीप्लाई किया एम से एंड के से, एम और के दो कांस्टेंट है, तो ये एम से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम में और के से मल्टीप्लाई किया ये सॉरी फर्स्ट रो में और के से मल्टीप्लाई किया थर्ड रो में रिस्पेक्टिवली, देन डिवाइड, और डिवाइड भी क्या किया एम के से डिवाइड किया, जिससे मतलब जो कांस्टेंट से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी कांस्टेंट से डिवाइड भी करेंगे, तो ये अपने पास ये प्रॉपर्टीज आ गए। अब ये टेंथ प्रॉपर्टीज है, कोई ऐसा फिर ये डिटरमिनेंट है तो इसमें क्या किया, फिर ये इसमें कॉलम में ये कॉलम में मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, तो उसी कांस्टेंट से अपने को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ग्यारहवीं प्रॉपर्टीज है अपने पास क्या है, अगर ये कोई ऐसा डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, क्या फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में ए प्लस एक्स और ये बी प्लस वाई सी प्लस जेड, और ये सेकेंड कॉलम में पी क्यू आर और थर्ड कॉलम है एम एल एन, तो इसमें क्या किया, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में ऐसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में क्या क्या एलिमेंट है ए बी सी, तो इसको एज इट इज लिख दिया ए बी सी, फिर ये सेकेंड कॉलम में जो भी एलिमेंट था उसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे पी क्यू आर, और फिर ये थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको लिख दिया एम एल एन, ठीक है, यहाँ पे देखो एम एल एन, और फिर उसके बाद इसमें जो ऐड था ये एक्स वाई जेड, तो प्लस करके यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड और सेकेंड कॉलम में क्या गया एज इट इज, जैसा जो सेकेंड कॉलम था और थर्ड कॉलम था उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ट्वेल्थ प्रॉपर्टीज, ट्वेल्थ प्रॉपर्टीज क्या है, फिर ये अगर कोई ऐसा ये कोई ऐसा ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग किसी दो कॉलम या दो रो को हम लोग आपस में ऐड करते हैं कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या किया कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को ऐड किया और उसको लिखा किसमें, ये कॉलम फर्स्ट में लिखा, तो यहाँ पे ए प्लस एक्स हो गया फर्स्ट कॉलम, बी प्लस वाई हो गया सी प्लस जेड,
ये एलिमेंट आ गया अपने फर्स्ट कॉलम का, और फिर सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब ये अपने पास ये 13 नंबर का प्रॉपर्टीज है क्या, ये देखो अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या आर वन में लिखा, क्या क्या आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये तीनों रो को आपस में जोड़ दिया और इसको जोड़ करके रो फर्स्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये फर्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फिर ये सेकेंड कॉलम का एक्स वाई जेड सब कॉलम को ऐड किया और ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट हो गया, फिर ये पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर ये क्या गया, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपने को ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब ये 14 नंबर का प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट रहे लिखा हुआ तो इसकी देखो, तो यहाँ पे हम किसी भी ये उसमें क्या क्या ये R2 में लिखा R2 माइनस R3 कर दिया, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर अपने पास ये 15 नंबर का प्रॉपर्टीज है क्या, ये ऐसा कोई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, फिर सेकेंड ये फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी प्लस ये बी टू प्लस बी थ्री प्लस ये बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, सॉरी यहाँ पे बी टू लिखा हुआ है, यहाँ पे बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री हो गया, ये फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है, और ये थर्ड एलिमेंट क्या है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी एन, और फिर अपने पास सेकेंड कॉलम क्या है एक्स वाई जेड, और थर्ड कॉलम क्या है पी क्यू आर। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, क्या ए वन प्लस ये फर्स्ट कॉलम आ गया अपने पास ए वन प्लस ये ए वन बी वन सी वन, और फिर ये सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस करके यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस करके, फिर ये ए टू बी टू सी टू ये फर्स्ट कॉलम आ गया, फिर ये सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दिया। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये इसको प्रूफ प्रूफ क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का एलिमेंट वन टू ये सॉरी वन वन वन, ये सारे एलिमेंट क्या है इक्वल है फर्स्ट रो का, फिर ये सेकेंड रो में क्या है ये ए बी सी, और ये थर्ड रो में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको हम लोग को प्रूफ करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये ऐसा इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपने एल एच एस लिया, पहले एल एच एस लिया, फिर यहाँ पे क्या क्या जो अपन काम करते हैं उसको लिखेंगे कि क्या किया आपने। तो यहाँ पे देखो C1 कॉलम फर्स्ट में लिखा और ये C1 माइनस C2 करके, तो वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो होगा, फिर ये C2 में लिखा C2 माइनस C3 करके, फिर ये वन में से वन माइनस किया तो यहाँ पे जीरो हो गया, और फिर ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट को वन एज इट इज रहने दिया, फिर यहीं पे फिर ये क्या किया कॉलम फर्स्ट में लिखा कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकेंड, तो यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, फिर ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो जीरो तो एज इट इज रह गया, फिर यहाँ पे भी जीरो एज इट इज रह गया, ए माइनस बी एज इट इज रह गया, बी माइनस सी एज इट इज रह गया, अब फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपन लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख दिया, ये बी माइनस सी इंटू बी माइनस बी प्लस सी ये लिख दिया, और ये सी स्क्वायर को अपन सी स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेकिंग कॉमन क्या लिखा, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। अब ए माइनस बी और बी माइनस सी को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से ये कॉमन किया, तो अपने पास ये क्या बच गया अंदर में जीरो जीरो और वन, और फिर ये सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट बच गया वन वन सी, और फिर ये थर्ड थर्ड रो में क्या बच गया ए प्लस बी
बी प्लस सी और ये सी स्क्वायर बच गया। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो। अब क्या बताया था कि ये थर्ड रो है, ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसमें अपने को ये एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो करते हैं, तो इसमें साइन ऑफ डिटरमिनेंट को माइंड में रखना पड़ेगा। तो क्या था साइन ऑफ डिटरमिनेंट, प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस, ये था साइन ऑफ डिटरमिनेंट। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अपने को ये वाला साइन को माइंड में रखना पड़ेगा, क्या प्लस माइनस प्लस को, ठीक है। अब ये देखो ये ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी को एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ पे क्या किया एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वन और ये यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, इसका जो भी प्रोडक्ट निकालेंगे ये 2x2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो गया, तो उसको अपन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वन पे आ जाते हैं। तो वन का पोजिशन क्या है यहाँ पे, ये प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो ये डिलीट हो गया, तो क्या बच गया अपने पास वन, और ये फर्स्ट रो कॉलम बना वन ए प्लस बी और सेकेंड कॉलम वन बी प्लस सी। अब फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आंसर प्रूफ हो जाएगा, क्या ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल देख रहे हो ये पहले मोनेटाइज था और ये किसी कारणवश डीमोनेटाइज हो गया, तो आप लोग इस पर इतना वॉच करो, इतना वीडियो वॉच करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि मेरे चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, धन्यवाद।